सागर में आपदा के समय में सिख समाज के सेवा भाव के उद्देश्य से शुरू की गई लंगर सेवा का आज समापन हो गया। इस दौरान समाज के आहूपलिया परिवार के द्वारा शुरू की गई लंगर सेवा में समाज के अन्य वर्गों ने भी पूरा सहयोग प्रदान किया और बिना रुके बिना थके जरूरतमंद तक भोजन पहुंचाया गया। भैंसा पहाड़ी स्थित अमरदास कॉलोनी के गुरुद्वारे में सिख समाज के आहूपलिया परिवार के सदस्य की प्रेरणा से गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोविड संक्रमण में निःशुल्क भोजन सेवा जरूरतमंदों तक पहुंच सके इसका प्रयास कर लगातार 2 माह तक सेवा दी। इसके तहत कोविड केयर सेंटर अस्पतालों एवं जरूरतमंदों तक घर घर पहुंच सुबह शाम भोजन का वितरण किया। इस कार्य में लगे सेवादार सदस्यों ने पूरी शिद्दत से इस कार्य को अंजाम दिया और अपने गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण कर समाज सेवी के भाव के तहत लंगर सेवा के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद का बीड़ा उठाया। कोविड संक्रमण के इस दौर में जब हालात और परिस्थितियां कठिन थी, समाज ने सिंधी समाज और अन्य समाज से भी गणमान्य लोगों के सहयोग से जिस इच्छा शक्ति के साथ अपनी सामाजिक सरोकार की पहल जारी रखी वह निश्चित ही काबिले तारीफ है, साथ ही प्रेरणादायी भी, जिसके चलते आपदा के इस कठिन दौर में भी कोई भूखा प्यासा नहीं रहा और हर जरूरतमंद को इनकी पहल का लाभ मिला, 2 वक्त की रोटी नसीब हो सकी। आप द्वारा ये जो लंगर का सेवा का आयोजन किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य था और पिछले साल भी आप लोगों ने लॉकडाउन के समय पर सेवाएं दी हैं? गुरु नानक देव जी के उपदेशों पर चलते हुए हमने ये लंगर शुरू किया और ये लंगर कोविड सेंटरों में जहाँ जहाँ रिश्तेदारों ने भी अपने रिश्तेदारों को पहचानना बंद किया था वहाँ से हमने ये लंगर शुरू किया। घर घर जाकर, हॉस्पिटलों में जाकर, कोविड सेंटरों में जाकर हमने ये लंगर पहुँचाया और इस लंगर में सिंधी समाज, सिख समाज और सागर के गणमान्य नागरिकों द्वारा इस लंगर में हमें सहयोग दिया गया। इस लंगर में सबसे बड़ा जो सहयोग है मनी सिंह गरोन, हमारे हरीश भाई, राजा नागवानी जी, जिनका की टेम्पो हमारे पास आके खड़ा हो जाता था और उतारने में समझ में आता था हमको कि ये क्या सामान आ रहा है, इतनी मात्रा में सामान आता था। उसके बाद महाराष्ट्र मसाले, रामा मसाले, गुरमीत सिंह कुबेजा, हमारे बुधवानी जी, जस्सी भाई और आलूवालिया परिवार और भारचंद जी सब्जी वाले, जिन्होंने हमको सब्जी फ्री इधर ला के दी है, भाई सबके सहयोग से ही हम इतना बड़ा ये लंगर चला पा और आज 14 तारीख को इस लंगर का हमने समापन किया है और भगवान की दुआ से और आप लोगों के सब आशीर्वाद से हम सिर्फ भगवान से एक ही चीज़ चाहते हैं कि भगवान इस बीमारी को जल्द से जल्द पूरी दुनिया में ख़त्म करे ताकि पूरी दुनिया अमन चैन से रह सके। निरंतर कितने दिन चला हुआ है ये? हाँ जी, निरंतर कितने दिन चला है ये लंगर जो हमारा है? ये 50 दिन हमने लंगर चलाया है और इस लंगर को चलाने में अहम भूमिका जो रही है वो कुलवंत सिंह खंडूजा और राजा खंडूजा, जिन्होंने अपनी 4-4 गाड़ियाँ हमको दिन में लंगर बांटने के लिए दी और तकरीबन इस 50 दिनों में दोनों जनों ने 70,000 रुपये का जो है पेट्रोल और डीजल अपनी गाड़ियों में जलाया है। हम दिल से आभारी हैं। प्रोग्राम रखा गया था सिख समाज द्वारा, इसका क्या उद्देश्य था? अमित भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सागर के अंदर एक आहूपलिया वो परिवार है जो ना केवल लंगर के लिए बल्कि जिन्होंने जीवन के आज से 30 साल पहले से सबसे प्रथम ब्लड बैंक सागर में बनाया था, हजारों लोगों की आंखों के ऑपरेशन कराए थे, सैकड़ों लोगों के कभी जात नहीं देखी, पात नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, दाह संस्कार करते आए, एक ऐसी अटूट सेवा उनके अंदर है और इस महामारी के अंदर सबसे प्रथम प्रयास उनके द्वारा किया गया और हम सबको जोड़कर जैसा कि टीटू आचा आहूपलिया जी ने बताया तमाम लोगों के नाम, हम उनके ऋणी आभारी हैं और आप लोगों के भी आभारी हैं कि आप लोग समय समय पर आते कर हम लोग की ये सेवाओं को लोगों तक पहुंचाते रहे और हम प्रशासन के भी बड़े आभारी हैं कि जिन्होंने हमें ये सेवा करने का मौका दिया और हमने भूखे प्यासे लोगों को, चाहे वो बस स्टैंड हो, स्टेशन हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कोविड सेंटरों में जहाँ जहाँ बनाया था सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमने कोई जाति धर्म को ना देखते हुए एक सेवा भाव से तहे दिल से जैसे कि सुनने में आया है बाकी के समाज लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है, उनको आप आभार व्यक्त करना चाहेंगे? बिल्कुल आभार व्यक्त करना चाहेंगे। हम सिंधी समाज का विशेष करके चंदू गोदवानी जी, राजा नागवानी जी, जिनके द्वारा तमाम सागर के सिंधी परिवार बढ़ चढ़ कर आए, उन्होंने इस लंगर को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तन मन धन से सहयोग दिया। हम उन लोगों का भी आभारी हैं, कुछ हमारे सेवा भाई हैं, राजा जी हैं, नागवानी जी हैं, कुछ गुजराती भाई हैं, विजय वर्मा जी हैं, गुरमीत सिंह कुबेजा जी हैं, कुलवंत सिंह खंडूजा हैं, भागचंद जी जिन्होंने सब्जियों की सेवा करी, राजा है जिन्होंने अपनी गाड़ियां लगाई,
एक एक जज्बा होता है, एक जनून होता है। और जैसा टीटू भाई साहब ने बताया कि गुरु नानक देव जी ने जो लंगर शुरू किया था, उस सेवा को हम लोग निरंतर जारी रखते हुए लोगों के पास पहुंचने का हम लोगों ने प्रयास किया।